क्यों उलझी हूँ खुद में, क्यों खुद ही से परेशान हूँ, क्यों उलझी हूँ खुद में, क्यों खुद ही से परेशान हूँ, क्या कुछ बाकी है मुझ में या खुद में पूरा जहां हूँ। शुक्रिया। उलझी हूँ सवालों में यूं जैसे शतरंज की चाल हूँ, उलझी हूँ सवालों में यूं जैसे शतरंज की चाल हूँ, जवाब हूँ मैं कई सवालों का, फिर क्यों खुद में एक सवाल हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, यहाँ मंच पर मौजूद सभी कवियों एवं मेरे गुरुजनों को मेरा सादर नमन, मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरन कौल है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए मैं सीधा अपनी कविता पर आना चाहूँगी। ये कविता एक ऐसे किरदार पर आधारित है जिसकी अहमियत बहुत कम मांगी जाती है। वो किरदार जो बरगद के पेड़ की तरह हमें छांव देता देता खत्म हो जाता है, पर कई अन्य किरदारों की छाया में रहकर कहीं छिप सा जाता है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। उसे तारीफें पसंद नहीं, उसे तारीफें पसंद नहीं, कहता है मैं कहाँ इतना अच्छा हूँ, सोने सखरा दिल लिए चलता है, कहता है मैं कहाँ इतना सच्चा हूँ। उसकी मुस्कान में अब झुर्रियाँ सी आने लगी हैं, उसकी मुस्कान में अब झुर्रियाँ सी आने लगी हैं, मजबूत उन बाहों में थकान सी छाने लगी है। खुशनुमा मिजाज लिए फिरता है वैसे तो वो, खुशनुमा मिजाज लिए फिरता है वैसे तो वो, मेरे पिता के जीवन से उसकी जवानी जाने लगी है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। शुक्रिया। कहता है अब नजरें धुंधला सी गई हैं, कहता है अब नजरें धुंधला सी गई हैं, शामो सुबह बेचैनी सी छा रही है, ये दुखते घुटने ये कमजोर एड़ियां ये लड़खड़ाता बदन, ये दुखते घुटने ये कमजोर एड़ियां ये लड़खड़ाता बदन, न जाने क्यों थकान इस शरीर की पहरेदारी सी करने लगी है। वाह क्या बात है सिमरन, बहुत अच्छे। शुक्रिया। हालांकि मेरे पिता से मेरा एक अजीब सा नाता है, मेरे पिता से मेरा एक अजीब सा नाता है, दोनों में से कोई रूट जाए तो कोई नहीं मनाता है। पर फिर भी मेरी हर ख्वाहिश वो पूरी करता है, वो पिता ही है जो बेटी को बेटी से ज्यादा समझता है। वाह वाह। वो मेरी हर अनकही बात जानता है, वो मेरी हर अनकही बात जानता है, टूट जाऊं जो कभी तो मुझे सवारता है, टूट जाऊं जो कभी तो मुझे सवारता है, कहीं दूर ना हो जाऊं इस बात से वो डरता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, इस बात से वो मुकरता है। वाह। मेरी जिंदगी में रंग भरते भरते, मेरी जिंदगी में रंग भरते भरते उसकी पुरानी कमीज का रंग अब ढल चुका है, मेरी जिंदगी में रंग भरते भरते उसकी पुरानी कमीज का रंग अब ढल चुका है, मेरे इन सपनों को सच करते करते, मेरे इन सपनों को सच करते करते उसके अपने सपनों पर जंग लग चुका है। वाह। पापा मेरी जिंदगी का बहुत अहम किरदार हो तुम, मेरी जिंदगी का बहुत अहम किरदार हो तुम, हूँ मैं अगर गुलाब तो मेरा बागबान हो तुम, यूं ईश्वर तो इनमें से किसी ने नहीं देखा होगा शायद, यूं ईश्वर तो इनमें से किसी ने नहीं देखा होगा शायद, पर तुम्हें आज बता दूं मेरे लिए मेरा भगवान हो तुम। वाह। अपनी अगली कविता से पहले उसकी भूमिका में ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि कलमकार ने मुझे ये मंच आज प्रदान किया है इन दिग्गज कवियों के आगे कुछ कहने का, कुछ बोलने का, तो मैं नारियों का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगी। मैं अपने साथ और अपने जीवन में
सभी नारियों की आवाज में बोलना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कविताओं में नारी को केवल एक कोमल फूल या कमजोर तितली की तरह ही दिखाया जाता है। तो उम्मीद करती हूं कि मेरी कविता के द्वारा आप नारी के अन्य रूपों को भी भांप पाओगे। मैं मौन हूं पर शांत नहीं, अज्ञात हूं अनजान नहीं, प्रचंड हूं है धैर्य भी, कोमल हूं मैं पाषाण भी। व्योम हूं मैं हूं धरासी, पाताल की अग्नि सी हूं, रक्षक भी हूं अपनों की मैं और दुष्टों का संहार हूं। सशक्त भी हूं क्षमाशील भी, जटिल हूं मैं हूं सरल भी, हूं भोले सी मैं अविनाशी, माँ काली का मैं प्रकोप भी। उपद्रव हूं उस तट का मैं, आंधियों का रोष हूं, गंगा की हुंकार हूं मैं, माँ सती का प्रतिशोध हूं। पावन हूं सीता सी मैं है शुरूप नखा सा हृदय भी, राधा जैसा प्रेम लिए है पांचाली सा वहन भी। विनाश मैं संसार का है नाम मेरा जग जननी भी, कण कण में मैं हर क्षण में मैं, अस्तित्व मेरा अनंत ही। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। बहुत अच्छे सिमरन के लिए और सिमरन की पिता कविता के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है, लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ पर उतरती है तो वो सिमरन बन जाती है, जैसा कि अभी सिमरन ने कविता पाठ, शानदार कविता पाठ था सिमरन का।